हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैंने एक आइसक्रीम का पॉट लिया है, चार पॉट लिए हैं और एक बॉक्स था मेरे पास उसी के नाप का, तो वो मैंने लिया है। आप बॉक्स घर पे भी रेडी कर सकते हो। और इस पॉट को मैंने जेसो लगा के लिया है, जेसो सूखने तक। अब हम पॉट के लिए थोड़ा सा ढक्कन अलग तरीके से बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने मोल्डेड क्ले लिया है। मोल्डेड क्ले को ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। और उसी नाप का मेरे पास एक क्ले कटर था, तो उसी से मैंने कट करके लिया है पॉट के हिसाब से। मतलब पॉट का ढक्कन उसी नाप से हो जाएगा। और उस ढक्कन को पकड़ने के लिए एक मैंने बटन किया है वहाँ पे, और वो दोनों ही मैंने आपस में स्टिक करके लिए है। अब ये हमारा जेसो सूख गया है और यहाँ पे मैंने एक चॉक पेंट यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ करके ले सकते हो। मैंने चारों पॉट को जेसो दिया है, बाद में उसको चॉक पेंट दिया है। अब बॉक्स मेरा थोड़ा पतला था, इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा है फेविकॉल की हेल्प से। आपका बॉक्स हार्ड हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे जो बैग आती है अमेजोन की वगैरह, तो उसी का मैंने पेपर कट करके लिया है। और पूरे बॉक्स को मैं फेविकॉल और वाटर का घोल मिक्स करके ये पेपर लगाया है। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह भी लगा सकते हो, नहीं तो टिश्यू पेपर लगाया तो भी चलेगा। ये पेपर थोड़ा हार्ड रहता है, इसीलिए मैंने ये लगाया है। ये पेपर अच्छे से बैठता भी है और थोड़ा सा बॉक्स ठीक हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो किचन को डेकोर करना भी ज़रूरी रहता है, इसीलिए मैंने ये ठेला बनाया है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, मुखवास रख सकते हो। तो चलो, हमारे ये पेपर तो लगा के हो गया है। मैंने यहाँ पे ठेले के लिए चार व्हील बनाए हैं, सिंपल से बनाए हैं, और उसको भी मैंने पेपर लगा के लिया है। यहाँ मैंने एक्रेलिक कलर ब्राउन दिया है। आप कलर कॉम्बिनेशन भी आपके हिसाब से रख सकते हो। मैंने ठेले को अलग कलर दिया है और उसी के कॉम्बिनेशन मैंने इसी पॉट को दिया है। पॉट में अलग अलग डिज़ाइन भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं। इसमें मैंने ब्राउन, रेड, वाइट और थोड़ा सा गोल्डन कलर यहाँ पे यूज़ किया है। सिंपल सिंपल आइडियाज़ है जो कि हम घर में पड़े बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से हमारा किचन, हमारा हॉल, हमारा पूरा घर सजा सकते हैं। यहाँ मैंने इस पॉट को थोड़ा सा गोल्डन कलर दिया है, मतलब लाइनिंग दिए है। और ये पूरा हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे वार्निश यूज़ किया है। आप इसको वार्निश ज़रूर यूज़ करना। तो चलो, हमारा ये पॉट पर रिपेंटिंग रेडी हो गई है। यहाँ पे आप मिरर यूज़ कर सकते हो क्योंकि फेस्टिवल है, मिरर वगैरह अच्छा दिखता है। यहाँ मैंने पॉट पे मिरर नहीं यूज़ किया है, खाली ठेले के जो व्हील है वहाँ पे मैंने मिरर यूज़ किए हैं। चारों व्हील को मैंने मिरर लगाए हैं और ये हम सिंपल तरीके से यहाँ पे स्टिक करने जा रहे हैं ग्लू गन की हेल्प से। ठेले के जो व्हील्स है उसके कार्डबोर्ड है वो थोड़े ही ठीक होने चाहिए क्योंकि हम उसके ऊपर थोड़ा सा वजन वाला सामान रखने वाले हैं, इसीलिए मैंने उस पर दो कार्डबोर्ड एक साथ चिपका के और बाद में उसको पेपर लगाया है। आप भी उसी तरीके से करना है। हमारा ये ठेला रेडी हो गया है। अब जो ऊपर के ढक्कन हमने बनाए थे उसको मैंने ब्राउन कलर दिया है। जो ब्राउन कलर मैंने पॉट के ऊपर यूज़ किया था वही ब्राउन कलर मैंने उसी ढक्कन को मैंने यूज़ किया है। तो चलो, हमारा ये ठेला और ये पॉट रेडी हो गए हैं। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, आप मुखवास रख सकते हो, चॉकलेट्स रख सकते हो। तो चलो, हमारा ये होम डेकोर, किचन डेकोर पीस रेडी हो गया। थे वही यूज़ किए हैं। टू लेयर का शेल्फ बना रहे हम। दो बॉक्स मैंने सेलोटेप की हेल्प से स्टिक करके लिए हैं। आप चाहे तो ग्लू गन के हेल्प से भी स्टिक कर सकते हो। और एक ऊपर साइड रखा है और उसको भी स्टिक किया है, सेलोटेप से ही स्टिक किया है। आप मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हो। ये हो जाने के बाद मैंने एक सिंपल सा पेपर लिया है और ये पेपर मैंने फेविकॉल से हेल्प से ही स्टिक किया है। आप चाहे तो ग्लू गन यूज कर सकते हो। क्या होता है, ऐसे बॉक्सेस हम फेंक देते हैं, तो फेंकने से बेहतर है कि इसका कुछ यूज़ किया जाए। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह रहती है, हमें से ही रख देते हैं शेल्फ में वगैरह, तो वो दिखती नहीं है हमें। तो इसके लिए ये बढ़िया सा DIY होने वाला है। आगे आपको इसका मैंने बिफोर आफ्टर वीडियो किया है, वो देखने को ज़रूर मिलेगा।
इस वीडियो में और आगे वाले दोनों वीडियो में मैंने किचन डेकोर ही बनाए हैं। आपको किचन मेकओवर देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा किचन मेकओवर देखना है, तो मैं ज़रूर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलो रेडी हो गए हमारे शेल्फ, अब हम वो शेल्फ कहाँ रखते हैं और कैसे रखते हैं देखते हैं। ये देखो मेरे पूरे छोटी छोटी डिब्बियाँ ऐसी पड़ी रहती है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि इस बॉक्सेस का कुछ ऐसा यूज किया जाए। आपको ये DIY कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने तो बनाया, मेरा किचन तो बढ़िया दिख रहा है, आप भी ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपने कैसा बनाया और आपको कैसा लगा। यहाँ पे टी स्टेशन बना रही हूँ। ये कूलर थे बहुत सारे, उसका मैंने पहले भी DIY बनाया था लेकिन अब उसको और डेकोरेट कर रही हूँ। उसको मैंने वापस से ग्रीन कलर दिया है और नीचे वाले पोर्शन में मैंने ब्राउन कलर दिया है, थोड़ा आइसक्रीम का लुक दे रही हूँ मैंने उसको। और यहाँ मैंने दो कूलर यूज़ किए हैं, एक को ऑरेंज कलर दिया है और एक को ग्रीन कलर दिया है। आप कलर कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से रख सकते हो। तो चलो टी स्टेशन के लिए और एक DIY बनाते हैं। यहाँ मैंने डायरी का ऊपर का कवर लिया है, वो थोड़ा थिक रहता है इसीलिए आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक वाइट पेपर लिया है और उसको मैंने टी का कुछ स्लोगन लिखा है। गूगल पे सर्च करके देखो टी का या कॉफ़ी का कुछ अच्छा वाला स्लोगन आपको जो पसंद आ गए वो मैंने देख के लिखा है। और उसको ब्लैक एक्रेलिक कलर से ही मैंने पेंट किया है। आप चाहे तो यहाँ पे पेन भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ में पेंट यूज़ किया है। ये स्लोगन लिख के जाने के बाद मैंने यहाँ पे फेविकॉल और मास्किंग टेप की हेल्प से ये पूरा स्टिक करके लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर प्लास्टिक भी लगा सकते हो, प्लास्टिक की कवर जो आता है वो भी लगा सकते हो। तो अब हम बनाएंगे टी स्टेशन। मैंने यहाँ पे पुरानी रैक को वाइट कलर दिया था तो वो रैक यूज़ किए है। और ये चाय शक्कर के डब्बे मैंने DIY बनाया था, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये कूलर वगैरह ऐसे डेकोरेट करके रखा है। आपको ये DIY टी स्टेशन कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना। तो अगले DIY के लिए मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड लिया है, अमेजोन का बॉक्स ही लिया है, ओपन करके मैंने ओवल शेप उसमें कट करके लिया है। मैंने इसे चार पार्ट कर कट के लिए है क्योंकि कार्डबोर्ड थोड़ा सा पतला था, थोड़ा सा थिक चाहिए था। और एक दूसरे को फेविकॉल लगा के मैंने ये स्टिक करके लिया है, मास्किंग टेप लगाया है ताकि वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और बाद में उसका हम अब DIY करेंगे। मैंने यहाँ पे एक वॉल हैंगिंग बनाया है किचन के लिए। अब मैंने मास्किंग टेप निकाल ली है क्योंकि ये कार्डबोर्ड अच्छे से स्टिक हो गया है। यहाँ पे मैंने एक मोल्डिंग क्ले लिया है और उसको मिक्स करके मैंने यहाँ पे बाजू जो ओपन थी उसको लगाया। आपको मोल्डिंग क्ले नहीं लगाना है तो आप मास्किंग टेप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उड़न जैसा टेक्सचर देना है इसीलिए मैंने यहाँ पे मोल्डिंग क्ले लगाया। आप वॉल पुट्टी का डो भी बना के उसको लगा सकते हैं लेकिन मोल्डिंग क्ले यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने यहाँ पे मोल्डिंग क्ले लगा के लिया है और उसको थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे कटर की हेल्प से उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से टेक्सचर दिया है। ये हो जाने के बाद मैंने ऊपर साइड जेसो अप्लाई किया है, आप वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज करके ले सकते हो। ये कंप्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैंने जो बॉर्डर पे क्ले लगाया था मोल्डिंग क्ले तो उसको मैंने ब्राउन कलर दिया है। ब्राउन कलर थोड़ा सा लाइट डार्क शेड करके मैंने यहाँ पे दिया है ताकि उड़न जैसा टेक्स्चर और शेडिंग इसमें आ जाए इसीलिए। अब ऊपर वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चॉक पेंट,
तो आपके पास चॉक पेंट नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर भी यूज करके ले सकते हो। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब थोड़ा सा गीला चाहिए, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है और उसको थोड़ा सा वाटर मिक्स करके उसका बहुत ही लाइट और डार्क ऐसा शेड मिक्स किया है और ब्रश ऐसे घुमाया है ताकि उड़न जैसा, जो हम जब उड़ कट करके तो अंदर वाला पोर्शन जैसे दिखता है वैसा टेक्स्चर आना चाहिए, ऐसे मैंने ब्रश से किया है। आप वीडियो में देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल तरीके से ये हो जाता है। ये कलरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक कोट लिखना था, तो मैंने यहाँ पे मॉम्स किचन लिखा है। आपको जो भी पसंद है आप वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले पेपर पे ड्रॉ करके लिया है, नीचे कार्बन पेपर रखा है, वाइट कार्बन यहाँ पे यूज करना है, ब्लू ब्लैक ऐसे यूज़ नहीं करना है। और मैंने यहाँ पे एक एक्रेलिक पेन यूज़ किया है, आपको एक्रेलिक पेन यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली एक्रेलिक कलर भी यूज़ करके ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले बॉर्डर एक्रेलिक पेन से की है और बाद में उसको एक्रेलिक कलर से मैंने यहाँ पे अंदर वाला जो पोर्शन है वो फिलअप किया है। यहाँ मैंने यूजन थ्रो के फोक और जो स्पून रहते हैं उसको मैंने ब्लैक कलर दिया है और ग्लूगन की हेल्प से मैंने स्टिक करके लिया है। बाहर वाले अब हमें यहाँ पे हैंग करने हैं, तो मैंने यहाँ पे होल नहीं किए थे, मैं वापस भूल गई थी होल करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पीछे साइड से माइक्रम हैंग करके लिए है। तो ये चलो हमारा वॉल हैंगिंग रेडी हो गया। आज के सभी किचन डेकोर आइटम्स आपको कैसे लगे मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।